अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। कैसे हैं सब व्यूअर्स? ठीक हैं। अच्छा, तो सब व्यूअर्स के मुझे कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उससे हुमैरा व्लॉग से, शोना शोना व्लॉग से, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन सबका थैंक यू सो मच। और कुछ मुझसे पूछ भी रहे हैं कौन कौन है ये वो सब, वो मैं बाद में डिटेल बताऊँगी, उसके लिए आप लोगों के लिए एक व्लॉग मैं बनाऊँगी। तो अभी जो है कि अभी अभी मुझे मेरे भाई की कॉल आई है, कहता है जी जल्दी से मेरी तरफ आ जाएं। मैं तो पहले परेशान हो गई, मैंने कहा क्या हो गया आपकी तरफ आ जाओ, खैर है? रात के 12 अभी 12:15 हो रहे, 12 बजने में 2-4 मिनट कम थे जब उसकी कॉल आई। मैंने कहा खैरियत है? तो कहता बस आए ना। मैंने कहा बात तो बताए, मैं उसी हिसाब से फिर आती हूँ ना, तो क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है? तो कहता नहीं जी प्रॉब्लम नहीं, खुशी की बात है। मैं फिर हंसना शुरू हो गई, पहले मैं परेशान हो गई थी, फिर मैं हंसना शुरू हो गई। तो मैंने कहा खुशी की बात है तो कुछ फिर बताए ना मुझे। ये तो वहां जाएंगे तो सरप्राइज मिलेगा ना। कहता है जी सरप्राइज है। मैंने कहा सरप्राइज मेरा तो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है सरप्राइज वाला, इस टाइम तो पता नहीं अब क्या सरप्राइज है। मैंने कहा रात के 12 बजे कौन सा सरप्राइज तुमने निकाल लिया भाई, भी कोई किसी की बर्थडे भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है। क्या पता ली भाई के बेटों की या बेटी की बर्थडे हो या उनकी खुद नहीं हो, किसी की भी नहीं है, एनिवर्सरी हो सकती है, खुद कोई नया चढ़ना उसने चढ़ाया हो कि दूसरी शादी तो नहीं कर ली भाई। वैसे हम उसको छेड़ते रहते हैं, मैं और उसकी मिसेज ना, कि तेरी दूसरी शादी कराते, वो तो हम उसको मजाक करते है ना। तो मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा भाई क्या कोई नया चंद तो नहीं चढ़ दिया? तो हंसना शुरू हो गया, कहता हाँ हाँ चंद तो मैं चढ़ूंगा, पहले आप आओ। मैंने कहा मुझे बताओ। बहरहाल उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि उसने मुझे क्यों बुलाया क्यों नहीं बुलाया, लेकिन उसने कहा कि खुशी की बात है और सरप्राइज है। तो मैंने सोचा कि अगर खुशी की बात, लेकिन उन्होंने ये बोला ना कि आपके लिए कोई सरप्राइज है। हाँ मेरे हमारे लिए क्या हो सकता है, सोच रही हूँ उस टाइम की कि मेरे लिए क्या सरप्राइज हो सकता है ना, कि जो उसने मुझे कहा है, मतलब मेरी ना तो मेरी कोई एनिवर्सरी है, ना मेरी कोई बर्थडे है, ना मैं कहीं जा रही हूँ, ना को मैंने घर में फंक्शन रखा, कुछ भी नहीं। अब वो क्या हो सकता है मुझे खुद नहीं पता। तो अभी मैं जा रही हूँ उसकी तरफ, वहां जाके पता चलेगा कि क्या सरप्राइज उसने हमारे लिए रखा है। और मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं, वहां जाके पता चलेगा कि वो व्लॉग के काबिल भी सरप्राइज है कि नहीं। अगर हमने बोला कि हम सब व्लॉग बना लेते हैं, अगर सरप्राइज अच्छा हुआ तो आपको भी दिखा देंगे। कहता जी व्लॉग तो लाजमी बनाओ, कहता व्लॉग बनाओ। मैंने कहा इजाजत है? कहता आप फुल इजाजत है बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा निकलते हैं घर से, स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कपड़े पहने हैं और रेडी हो गए हम लोग जाने के लिए रात के 1-12 बजे। हाँ अभी 12:15 होना, मैं अभी आप लोग टाइम भी दिखाती हूँ आपको ना, इसमें मेरे फोन में भी आ रहा होगा, ठहर मैं देखूंगा, सही इसमें नजर नहीं आ रहा ना, ये देखें चलो बैक है। हाँ ये देखें 12:12 हो रहे, 12:15 हो गए रात के। ठीक है अभी जाते हैं उसकी तरफ। और दूसरा जो सरप्राइज था, जो मैंने कपड़े शपड़े बनाए वो अभी बाकी है, वो पार्टी अभी बाकी है, उसका ना समझ लेना कि कहीं ये वो वाला तो नहीं था, वो लहदा है, ये लहदा, ये तो चाणक आया है ना एकदम से फटाफट, ये चटपट वाला काम उसने किया। मैं भी चटपट वाले काम करती हूँ, तो मेरा भाई है ना, तो जाहिर है चटपट वाला काम नहीं, वो करेगा। मजा भी ऐसे ही आता है जो अचानक प्लान बनते हैं, ये ऐसे पहले प्लान बनाओ उसका मजा नहीं आता, अचानक बने उसका बहुत मजा आता है। ये बात अब देखिए ना, हम लोग लेटे हुए थे, अचानक उठ के तैयार हो गए, इसका अपना ही मजा है। बल्कि मेरा आपकी से बात हुई अभी शाम को ना, तो मुझे कहती क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं तो भिंडी गोश्त बना रही हूँ। तो कहती मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आ जाओ। फिर कहती नहीं फिर किसी टाइम ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है आपके लिए भी बनाऊंगी। अब वो इस चीज की गवाह है कि आज मैंने उसको बोला था कि मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ, ठीक है, जब वो ये वाला व्लॉग देखेंगी तो वो कहेंगे कि वाकई ज़ुबैदा भिंडी गोश्त बना रही थी, इसने शाम को मुझे बताया था। खाना शाना खा के हम बिल्कुल फ्री होके बैठे थे, तो अचानक ही कहता जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा सुबह कोई कौन सी इतनी इमरजेंसी, सुबह आ जाएंगे? कहता ना अभी और इसी वक्त बस उठो और निकलो। मैंने कहा अच्छा, चौधरी साहब भी घर पे नहीं थे? मैंने कहा चौधरी साहब भी घर पे नहीं है। तो कहता बस मुझे नहीं पता, चौधरी साहब हैं तो उनको भी लें साथ, अगर वो नहीं भी है ना तो बस आप लोग आओ ही आओ। मैंने कहा हाथ धोगी, मैंने कहा चलो मैं आती हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, और वहां भी जाके दिखाते हैं कि वहाँ क्या कोई शुगल है, क्या सीन है, कौन सी पार्टी है, कि दोनों आपस में लड़ तो नहीं पड़े। अच्छा ये भी मजे की बात है कि इधर किसी की आपस में लड़ाई भी हो ना, तो उसको भी शुगल ही बना लेते हैं कि आ जाओ जी, फड़ लो हो जाती है। ठीक है ये जो प्लानों वाली बात, एक मैं और बता दूं कि मेरा हस्बैंड जब भी कोई प्लान करता है ना, वो हफ्ता पूरा प्लान करता रहेगा कि ये करना है ये करना है ये करना है, इधर जाना है फलान मकान, तो जब एंड टाइम पे आके कोई ना कोई ऐसा मसला या उसको या घर में या कहीं फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, उसका कैंसिल हो जाता है।
वो फिर मुंह बना लेता, लो जी मेरा नहीं काम हुआ, मैंने पहले से प्लान बनाया था, ये किया था वो किया था। तो मैं कहती तुम्हारा नसीब इतना, फिर उसको गुस्सा आता कि मेरा नसीब। तो मैंने कहीं भी जाना हो, मैं घर से गाड़ी में बैठती हूँ, बाहर दिल करे गाड़ी का मुंह लाहौर को कर दूं, कराची को कर दूं, मरी को कर दूं, जिधर मर्जी। तो वो फिर कहेगा लो कोई प्लान तो बनाया नहीं था एकदम से अब इधर। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है ना, मेरी किस्मत, मैं तो जा रही हूँ। तो फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं लो जी मेरी किस्मत ही ऐसी, मैं क्या कर सकती हूँ, आप किस्मतें तो मैं नहीं सवारती ना, मैं तो ये है कि तुम्हारा मुंह ठीक है, मुंह ठीक कर सकती हूँ, अगर तुम परेशान हो तो तुम्हें हंसा सकती हूँ, तुम्हें कुछ बता सकती हूँ, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं मेरे भाई के घर, देखते हैं कि आज वहां पे क्या सरप्राइज है और खास मेरे लिए क्या है, जो कि मुझे पता ही नहीं है, मैंने ख्वाबों में भी नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं है। वहां चल के देखते आए, फिर चलते हैं। हाँ जी अली भाई, क्या हाल है आपके? सरप्राइज देते हैं जी अली भाई, चले ना ऊपर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ऊपर चलते हैं ना, चलो जी। हाँ तो बस हम पहुंच गए मेरे भाई के घर। तो मेरा जो भाई है ना, अभी तक तो उसने कोई मुंह नहीं खोला कि उसने हमें क्यों बुलाया। मैं उस टाइम मैं पहले पूछ रही हूँ आके कि बताओ, कहता बताता हूँ। तो मैंने कहा बताता हूँ तो फिर व्लॉग में ही बताओ, अगर तुम ऐसे नहीं ना बता रहे तो फिर वैसे बता दो। अभी देखें जी, ये मेरा भाई है, दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र अली भाई। सरप्राइज क्या है? क्या सरप्राइज आपने हमें देना था आधी रात को ली भाई? सरप्राइज होता है उसको कुछ देर सरप्राइज जब मैंने अभी आपको देता हूँ मैं सरप्राइज तो इतनी मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं है। जल्दी क्या है आपको? अच्छा अच्छा आराम से आपके 12:30 पौना एक हो गया तो कहता है अभी क्या जल्दी है। मैंने तो समझा इसने कुछ चांद चढ़ाया होगा, कोई पता नहीं लड़ा लुड़ा होगा या पता नहीं कोई वाइफ शादी रचा ली, लेकिन इधर आके तो ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे पहले था, वैसा ही मिला है मुझे। नॉर्मल शूट है, चेंजिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने असल में आपको सरप्राइज आपके व्लॉग के ये वाले से था जी, व्लॉग के वाले से व्लॉग बनाना नहीं था, व्लॉग पे आपको मतलब एक सरप्राइज देना था आपके व्लॉग की कामयाबी पे। अच्छा जी, अच्छा देखी आपने। अच्छा अभी का भी बताना पड़ेगा तो फिर सरप्राइज का था। हाँ फिर का था सरप्राइज रह गया जी, हम सोच ही रहे थे अभी का बताना पड़ेगा तो फिर का था सरप्राइज रह गया, ये भी ठीक है। यानी सरप्राइज इन्होंने ना सामने खोल के दिखाना, पता नहीं वो क्या किधर छुपाया क्या किया वो मुझे नहीं पता, ठीक है अभी फिलहाल तो मुझे ये बता नहीं रहे। ये कैमरे के सामने ऐसे दिख रहे वैसे शैतान की टूटी है। हमने बोला था ना रास्ते में अली भाई के बारे में आपको सीक्रेट्स बताए हुए। अली भाई तो बहुत शर्माते हैं कैमरे के आगे। नाया आओ इधर पापा के पास, नाया भी दिखाओ भी नाया की। ये अली भाई की बेटी है अनाया, अनाया हेलो करो ऐसे ऐसे, हेलो करो, हेलो हेलो, पूछो क्या हाल है आपका, बात करो, पूछो। अंदर बैठे हुए हैं, आपको बहुत लोग देख रहे हैं इस टाइम, वो पूछ रहे हैं अनाया आपका क्या हाल है। लो नया जवाब भी नहीं देती। आपने किधर जाना है बताओ? आइसक्रीम खानी है। क्या खाना है? बर्गर। आइसक्रीम। बर्गर खाना है। वाह जी वाह। किधर जाके? कहाँ पे जाके खाना है? मामू जी बर्गर। नहीं नहीं ये कहीं और जाती होगी। पिंडी का मशहूर बर्गर है। किधर जाके बर्गर खाना है बताओ जल्दी से। नहीं बताना, चलो ना बताओ। KFC। KFC खानी है। वाह जी वाह, ये अली भाई ने अपने बच्चे ना बिगाड़े हुए हैं KFC खिला खिला के। नहीं अली भाई तो माशाल्लाह सुलझे हुए हैं ऐसे कार के ना, अली भाई तो सुलझे हुए हैं ऐसे कार लो, हाथों को ऐसे कार लो। तो मोमो को शर्म आती है जी, ये देखो ना अनाया जा रही है, ये देखिए जी ये मोमो सोफे के पीछे छुपी हुई है। अनाया इसको सामने करो,
चलो रहने दो, बहन को मारना ना आपका क्या पता, आप मारो। ये मोमो है, ये लीजा हमजा, लीजा हमजा को तो ये लीजा हमजा बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं ना जो इनकी, तो क्या बात है। तो चले फिर सरप्राइज दिखाते हैं ना, सरप्राइज क्या सरप्राइज है जी, मंगवाए ना। हाँ जी, मुझे अभी तक तो ये सरप्राइज मिला है, अगला तो नहीं मिला। जूस वगैरह तो हमने ये देखे हमारे आगे पड़े हुए अली भाई ने हमें दे दिए, अब सरप्राइज पता नहीं वो क्या रहे लेके आ रहे किचन में से। तो अली भाई क्या सरप्राइज है बताएं ना, अब ले ये तो है जी 1000 सब्सक्राइबर्स, ये तो हमारे चैनल की खुशी में, ये 1000 सब्सक्राइबर जी हो गया। आपने देखे देखे क्या बात है जी, कब देखे अभी तो थोड़ी देर हुई है आपके, 1000 से ऊपर हो गए। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, हो तो ऐसा भाई हो सबका, के 1000 जिसके हुए और मुझे चली को पता ही नहीं अभी। हाँ मेरी माँ चली और भाई को इतना पता कि 1000 हो गए और फटाफट झटपट आज जी आज मैंने कहा ऐसा क्या हो गए। अच्छा तो 1000 हो गए तो रातों रात ही ये हमने काम करना, तो सुबह भी कर सकते थे फिर सरप्राइज खत्म हो जाना था ना। लो जी भाई मेरे कह रहे फिर सरप्राइज नहीं रहना था, अगर मैंने कहा सुबह ये आप मंगवा लेते, कहता जी फिर सरप्राइज नहीं रहना था, अब ये नहीं बता दी माशाल्लाह कितना खूबसूरत, इसका कलर कितना प्यारा है। अली भाई आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, सब्सक्राइबर चलें जी व्यूअर्स, ऐसे ही आप मेरे साथ तावन करते रहे और ऐसे ही जो है साथ देते रहे और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाते रहे और मेरे भाई और मेरी भाभी और मुझे सरप्राइज मिलते रहे, ठीक है कि नहीं। अब छुरी तो लाओ अली भाई, छुरी हमने अपनी लेके आनी थी, ये केक मिला है तो थोड़े बढ़ जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ मिलेगा, ऐसे ही है ना केक काटे। लो जी अनाया केक काटे, अनाया वो केक काटे। चलो जी आ जाओ सब, उठो बच्चों आगे आओ, आओ वाले दुआले खलो जो इन्हें दे। ये मैं ही काट लूँ अली भाई काट, अमार भाई आओ ना। अब मैं विवेक मुझे बताए मैं कहाँ से काटूँ, इतना खूबसूरत केक है ऊपर ये फूल इतने प्यारे बने हुए, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको काटने। उठो आगे जाओ, आप दिल कर रहा है ऐसे ही खा जाऊँ, इधर जाओ उधर जाए खड़े हो जाओ, आप देख रहे मेरी बात सुनो, हम वो बर्थडे का केक काटते तो कहते हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी का कहते हैप्पी एनिवर्सरी, इस पे क्या कहना है हैप्पी यूट्यूब ऐसे कुछ कर लो ना। चलो जी मैं लगी हूँ काटने, चलो नया हाथ रखो साथ, तुम भी हाथ रखो, 1 2 3 लो जी तो मैं नया को पहले थोड़ा सा केक देती हूँ खिला इसमें से, अटो 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 मुंह करो मुंह करो मुंह करो, ये KFC का बर्गर नया ने खा लिया, ये लो अब अली भाई को टिश्यू दो थोड़ा सा, अली भाई आपने ये सरप्राइज रखा है आपको खिलाऊं, आए ना अली भाई आगे आए, टिश्यू पहले दें। वाह जी वाह माशाल्लाह मेरे भाई ने कितना अच्छा सरप्राइज मेरे लिए रखा है, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, आप व्यूअर्स बताएंगे कि व्यूअर्स को कितनी खुशी हुई और किस किस के ऐसे भाई हैं माशाल्लाह से जो के ऐसे करते हैं सबके लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कसम से दिल से खुशी हुई, मुझे भी क्या वैसे अली भाई जैसा भाई तो नहीं दुनिया में मिल सकता किसी को, और जो क्या ख्याल अली साहब है वो घर नहीं थे, अब कल वो देखेंगे जब वो कहेंगे ये क्या, तो मैं भाई ने बुलाया मैं क्या करती हूं, जाहिर इमरजेंसी भी हो सकती है रात को, उनकी तरफ से मुझे परमिशन है कि कहीं भी कोई इमरजेंसी हो या कोई खुशी गमी हो तो मैं जा सकती हूं, मुझे इजाजत है ठीक है। और मैंने ये जो 1K वाला था ना आपको मैं बताऊं, इसका व्लॉग मैंने मेरा आपको कहा था कि मैंने उसके साथ बनाना है ना, हाँ व्लॉग वालों के साथ जो मेरी फ्रेंड है ठीक है, तो आपने ये सरप्राइज दे दिया, अब उनके साथ जो मैंने बनाना वो बाकी अब उनके साथ 10000 का बनाएंगे, 10000 का भी बनाएंगे, चलो वैसे हम लोग पार्टी कर लेंगे उनके साथ, क्योंकि मैं हम कल परसों बात कर रही थी 1K हो गया ना तो फिर कोई पार्टी करते हैं, मैंने कहा ठीक है यानी आपने तो कर दी है ठीक है, तो उनके लिए भी मैं करूंगी, सरप्राइज रखा हुआ था बहुत मजा आया, इसको भाई खुद ही काटे और खुद ही इसको डाले, मुझसे तो नहीं काटने होता ठीक है, और ये पकड़ो
पहले मेरे हाथों को वो लग गया। अली भाई का शुक्रिया तो अदा करते हैं अब। अली भाई का शुक्रिया अदा कर दो, भाइयों का शुक्रिया नहीं अदा करते, भाइयों से लेते हैं लेते जाते हैं, ठीक है। शुक्रिया अदा किया तो फिर भाई के भाई नाराज हो जाएगा, कहेगा अच्छा शुक्रिया अदा करते हैं तो मतलब फिर मुझे बुराना समझते हो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। तो वैसे भाई है मुझसे बड़ा, है मुझसे बड़ा लगता छोटा है, ठीक है। ओ, हमारा एक और भी आ गया जी, ये नवीद, ये बाइक पे आया अभी बाहर से, ये नाराज हो गया था। केले आए हो? अच्छा जी, नवीद साहब घर रह गए थे। अच्छा आज ही एक मुझे जो ना मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि नवीद को आप मोटा ना बोलो करो, अगर वो सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये है ही मोटा, ठीक है जी, मैं इसको मोटा नहीं बोलूंगी, ये आप खुद देखे ऑटो आगे से, ये देखें इसका साइज देखें, इसका साइज देखें, इसकी आप इसकी शर्ट देखें, ये देखें इसकी शर्ट देखें और खुद हिसाब लगाएं, ये मोटा नहीं, ये गेंडा है, गेंडा। अब बेशक नहीं नहीं बेशक लोग इसके इसके जो फैन है ना वो गुस्सा करें, लेकिन है ये गेंडा ही है। देखें भाई आप नवीद के फैन है, मैंने आपके वो जो रिस्पॉन्स मैंने आपको दे दिया कि नवीद को मैं मोटा नहीं बोलती, ठीक है। तो अब जो है इसके साथ हम जरा केक शेक खा पी लें थोड़ा सा, तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें और सब्सक्राइब करते रहे, तो सब्सक्राइब लाजमी करने, जितने बढ़ेंगे उतने मुझे गिफ्ट शिफ्ट और पार्टियां शार्टियां मिलेंगी, ऐसे सरप्राइज है ना जो मुझे मिलते रहेंगे, मुझे देते रहेंगे। अली भाई कुछ कहना चाहते तो मैं जूस पी लूंगा। आप मतलब इनको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, क्योंकि ये सब व्यूअर्स की सब्सक्रिप्शन की वजह से मतलब बंदे को इतनी कामयाबी मिलती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें चैनल को। थैंक यू, मैं तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है। और मेरा भी अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई ना, तो एकदम से 1000 हो गए, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। हाँ तो अभी बस केक आ गया है काट के जो मेरी प्लेट में, और इसको मैं रही हूँ खा, ये है जी 1K का केक और मैं इसको खा रही हूँ। और अली भाई 2K का खा रहे हैं 3K अली भाई की प्लेट में पहुंच गया। हाँ ये देखे ना 1K तो अली भाई की प्लेट में आ गया, 1K, वाह जी वाह, 1000, 1000 केक। तो मैं खाती हूँ केक और आप देखें और ऐसे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाते रहे, तो मैं आप लोगों को भी अल्लाह चाहे तो एक दिन वो टाइम आए मैं आप लोगों को भी केक खिलाऊं, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाजत दे दें और वाचिंग के लिए थैंक यू सो मच, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।